आरएस प्रवीण कुमार ने मुस्लिम समाज का किया बड़ा समर्थन, कांग्रेस और बीआरएस पार्टी पर हुए जमकर हमलावर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग मंदर, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तस्वीरें निकल कर आ रही है तेलंगाना से, जहां पर बता दें कि विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए तमाम समाज के लोग इस देश के अंदर में, खासतौर पर तेलंगाना के अंदर में, अपने तमाम समस्याओं को लेकर अब रोडों रास्तों पर निकलना शुरू कर चुके हैं। इतना नहीं तो लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसी तस्वीर में आपको दिखा रहे तेलंगाना से, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार, इन्होंने मुस्लिम समाज को अपना बड़ा समर्थन दिया है। इस पूरे मसले पर उन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते इस मसले पर उन्होंने क्या कहा। मैंने नशीली दवाओं, हत्या संस्कृति और उच्च ब्याज शुल्क के खिलाफ इंदिरा पार्क में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन द्वारा आयोजित धरने में भाग लिया। हैदराबाद में नशीली दवाओं की आपूर्ति और हत्याएं तेजी से बढ़ रही है। मशहूर हस्तियां, राजनेता, छात्र और युवा नशे के आदि है। कांग्रेस सांसद रेवानाथ अनुमुल्ला और मंत्री केटीआर बीआरएस, उन पर ड्रग्स लेने के गंभीर आरोप थे। दोनों ने एक दूसरे पर ड्रग चुनौतियां डाली, लेकिन उनमें से किसी ने भी ड्रग विश्लेषण परीक्षण नहीं कराया। तो यहां पर आरएस प्रवीण कुमार ने जिस प्रकार मुस्लिम समाज ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी रखा, और उस विरोध प्रदर्शन को कहने के समर्थन देने का काम आरएस प्रवीण कुमार इनके माध्यम से किया गया है, जो कि मुस्लिम समाज लगातार बहुजन समाज पार्टी की प्रशंसा करते हुए नजर आ रहा है और शुक्रिया अदा भी कर रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जिस प्रकार तेलंगाना के अंदर में तस्वीरें निकल कर आ रही है, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, धार्मिक अल्पसंख्यक में से खासतौर पर मुस्लिम समाज क्यों ना हो, तमाम समाज के साथ में बड़ी मजबूती से, बुलंदी से उनके समस्याओं में खड़े होते हुए नजर आ रहे। आरएस प्रवीण कुमार की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, और तमाम तस्वीरें किसी से भी छिपी नहीं है। और इसी मसले पर बता दें कि जिस प्रकार मुस्लिम समाज को लेकर एक बड़ा समर्थन आरएस प्रवीण कुमार का है, इसके साथ साथ उनका आगे चलकर यह भी कहना है कि नशीली चीजों का सेवन करना, यह कहने की तमाम राजनेता और छात्रों के अंदर में एक बड़े पैमाने पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में कांग्रेस के जो सांसद है, उसके साथ साथ बीआरएस पार्टी के जो मंत्री है, इनके बीच में एक चुनौती थी, और इन्होंने कहने की तमाम ड्रग्स का सेवन किया, लेकिन इनको तमाम परीक्षण और विश्लेषण के लिए, परीक्षण के लिए जब बोला गया, तो इन दोनों ने इस तरीके से इसको मना करने का काम किया है। इसका मतलब यह साफ है कि किस तरीके से बीआरएस पार्टी और कांग्रेस के माध्यम से कि तेलंगाना के अंदर हम ड्रग्स को लेकर एक जिस तरीके से लगातार उनको समर्थन दिया जा रहा है, बढ़ावा देने का काम तेलंगाना के अंदर में किया जा रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं कि तेलंगाना के साथ में किस तरीके से लगातार केसीआर की जो पार्टी, बीआरएस और कांग्रेस, किस कैसे युवाओं के साथ में, उनके जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करने का लगातार काम करते हुए नजर आ रही है। और इसका ही जमकर विरोध बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ये करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे भी कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर का शराब बिक्री पर ध्यान गांजा जैसे नशीले पदार्थ पर नियंत्रण करने पर नहीं है। बीएसपी की मांग है कि राज्य में नशीली दवाओं की संस्कृति को हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। जिस प्रकार ड्रग्स को लेकर लगातार एक बड़े पैमाने पर हैदराबाद हो या पूरे तेलंगाना के अंदर में हो, दिन ब दिन चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पर पूरी तरीके से रोक लगाना, इसको पूरी तरीके से खत्म करना, ये केसीआर की एक नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर यहाँ पर आरएस प्रवीण कुमार ने तमाम बातें कही है। लेकिन आप समझ पा रहे हैं कि जहां पर कांग्रेस के सांसद, बीआरएस पार्टी के मंत्री ये खुद ड्रग का सेवन करते हैं, इनके बीच में चुनौतियां लगती है, तो क्या इनके मन मस्तिष्क में ये मंशा होगी कि तेलंगाना के अंदर में एक नशा मुक्त वातावरण निर्माण हो, तेलंगाना के अंदर में एक युवाओं का जो भविष्य हो उज्जवल दिशा की ओर जाए। इसका मतलब ये साफ है कि ये दोनों पार्टियां ये चाहती है कि तेलंगाना की जनता नशे के अंदर में धुत हो, और जैसे ही चुनाव आए उस चुनाव के अंदर में उनके हिसाब से उनको वोट देने का काम किया जाए। क्योंकि जब नशे में व्यक्ति होता है, तब उसे इस बात की सुध नहीं होती कि आखिर कर क्या रहा है। और ऐसे ही तमाम वातावरण को निर्माण करने का काम केसीआर की सरकार के माध्यम से लगातार किया जा रहा है, जिसको जमकर समर्थन कांग्रेस के माध्यम से भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस पूरे मसले का बड़ा जमकर विरोध बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ये करते हुए नजर आए। तमाम तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और इतना ही नहीं तो मुस्लिम समाज के माध्यम से किए गए ये बड़े विरोध प्रदर्शन को भी जमकर समर्थन बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। इसका मतलब ये समाज में आ रहा है कि किस तरीके से बहुजन समाज तमाम तेलंगाना के अंदर में होने वाले
जो समस्याएं है, जो तमाम अहम मुद्दे हैं, जो गंभीर चीजें हैं, उसके ऊपर में लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए है और तमाम दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम समाज हो, उनके साथ में बड़ी बुलंदी से खड़े होने का काम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है। और इसका ही नतीजा ये है कि जब भी बहुजन समाज पार्टी की जो भी रैलियां तेलंगाना देखने को मिलती है, वहां पर जो जमावड़ा, जो हुजूम देखा जाता है, इससे कहने के अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है तेलंगाना के अंदर में जरूर निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक परिणाम लाकर दिखाएगा। इस पूरे मसले पर जिस प्रकार आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने मुस्लिम समाज को बड़ा समर्थन दिया है, इसके साथ साथ केसीआर और कांग्रेस पर जमकर हमलावर होते हुए नजर आए, इस पर लेके आपको क्या प्रतिक्रिया है, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।